आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। आपको बता दें कि मां गंगा बचाओ, धर्म बचाओ, देश बचाओ अभियान के चलते हुए स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में आज गांधी पार्क पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं रमेश जोशी ने कहा कि भ्रष्टाचारी अधिकारी व कर्मचारियों को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाने की अपील की। धरन किया जा रहा है, पीछे हरिद्वार में 7 करोड़ रुपए की राजस्व की चोरी करवा दी, और अब यही मंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद करीब है, उन्होंने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आदेश दे दिए मौके कि कोई भी व्यक्ति बुग्गियों से खनन करे तो उसको रोका न जाए, वरना अधिकारी सचेत हो जाए, और अगर वो ग्राम वासियों के इतने बड़े शुभचिंतक हैं तो डबल इंजन की सरकार है, शासनादेश जारी क्यों नहीं करवा दे रहे हैं, क्यों हमारे ग्रामीणों के साथ छल किया जा रहा है, क्यों उन पर मुकदमे लिखवाने की तैयारी करवा रहे हैं। पहले जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी से मौखिक दिशा निर्देश जारी कर एक इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया, अपने पीआरओ को बर्खास्त कर दिया, उसी प्रकार माननीय यतीश्वरानंद जी भी इस देश के अच्छे आला अधिकारियों को बर्खास्त करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा इस प्रदेश में बिल्कुल नहीं होगा। माँ गंगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे के तहत इस प्रदेश के लिए दिया गया था। वो 60,000 करोड़ रुपए वो एनजीओ प्रधानमंत्री राहत कोष में वापस दें, क्योंकि माँ गंगा कोरोना काल में स्वतः ही साफ हो गई। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे खनन माफियाओं के मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।